ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, सुनने सुनाने का ज्ञान नहीं है। मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान है। मनुष्य विकारी को कहा जाता है और देवता निर्विकारी को कहा जाता है। देवताओं में प्योरिटी होती है, ब्राह्मण सब अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की औलाद है, अभी प्रजापिता की औलाद नहीं बने। क्या कहते तो हैं सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, एडवांस पार्टी में कहते नहीं है क्या? क्या लिखते हैं? हैं? पीवी के लिखते हैं। और उनके लिए कहते हैं तुम तो रंडी पुत्र हो, अम्मा के पुत्र हो, अम्मा बाप दोनों के पुत्र नहीं है। तुम कहते भी हो बी के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, अम्मा कुमार अम्मा कुमारी। तुम अम्मा बाप का नाम नहीं लेते, हम तो देखो नाम लेते हैं। अच्छा तो नाम लेने से हो जाएगा है? जैसे भक्ति मार्ग में नाम की बहुत महत्ता है, तो नाम लेने से दुनिया सुधर जाएगी, आत्मा का सुधार हो जाएगा। अरे नाम का भी आधार क्या है? नाम का आधार क्या है? काम। जिसने काम किया जैसा वैसा उसका शास्त्रों में नाम पड़ा है। चाहे दुर्योधन दुशासन रावण नाम पड़ा हो और चाहे चाहे अच्छे अच्छे देवताओं का नाम पड़ा हो, वो सब काम के आधार पर नाम पड़े हैं। तो सिर्फ कह देने से प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो जाएंगे, अभी भी क्या कहेंगे प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है? क्या है? है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है। अच्छा ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाले कौन? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी या ब्रह्मा कुमार कुमारी? है? प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी दिन बनाएंगे, प्रजापिता के सहयोग से बनाएंगे ना? हाँ। है? हाँ। अगर कोई बात में विपरीत बुद्धि रहे तो सही तो नहीं बना सकेंगे। तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात अभी भी चल रही है। जो भी पुरुषार्थी मनुष्य आत्माएं ब्राह्मण बनी है वो सब निश्चय अनिश्चय के झलकोरे खाती रहती है। जैसे रात्रि के 12 बजे से ये तो सत्यता है कि सूर्य उदय होता है, घोर अंधकार कम होने लगता है, सूर्य पतन के गर्त से ऊपर आना शुरू होता है। लेकिन क्या एकदम सोजरा हो जाता है? है? एकदम सोजरा तो नहीं होता, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है, विस्तार को पाता है या एकदम विस्तार को पाता है? धीरे धीरे बढ़ता है। ज्ञान बुद्धि की चीज है, बुद्धिबाजता कलयुग के अंत में बढ़ती है या सतयुग के आदि में बढ़ती है? कलयुग के अंत में बुद्धिबाधिता बढ़ जाती है और सतयुग के आदि में वो देवताएं बुद्ध हो जाते हैं। तो अभी बुद्धि का विकास तो हो रहा है क्योंकि सत्य ज्ञान मिल रहा है, सत्य बाप देने वाला है, बुद्धि विस्तार को पाती चली जा रही है। पर ब्रह्मा की रात क्यों नहीं खलास होती? कारण क्या है? हैं? जैसे वो सन्यासियों के चेले चपाटे होते हैं, वो भी कहते हैं हम गुरुजी के फॉलोअर हैं। जो गृहस्थी होंगे वो भी कहेंगे हम गुरुजी के फॉलोअर हैं, हम अमुक नाम के गुरुजी के फॉलोअर हैं। उनसे पूछा जाए
कि तुम्हारे गुरुजी ने तो घरघाट का त्याग कर दिया, तुम क्यों उलझे हुए हो? फिर तुम चेले काहे के, तुम फॉलोअर काहे के? फॉलो तो करते नहीं हो। यहाँ बाबा कहते हैं बुद्धि से छोड़ने की बात है, इस स्थूल में छोड़ने की भी बात नहीं है। इतना सहज कर दिया, फिर भी डकौए के तीन पार। कैसी कैसी बातें बनाई हुई है लोगों ने, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। ये अज्ञान अंधेरी रात चल रही है, आत्मा रूपी अंडे पकाए जा रहे हैं, ज्ञान जल गर्म होता चला जा रहा है। अंडे सारे के सारे कच्चे हैं। तो बात थी ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला कौन, और उसके सहयोग में रह करके रात को दिन बनाने वाले नंबर वार कौन? कोई होंगे या नहीं होंगे? आखिर प्रत्यक्षता होनी है कि नहीं होनी है? अभी टाइम आ गया कि अभी सोचते हैं कि अभी तो 30 साल और पड़े हुए, अभी तो रात के 70 साल पूरे हुए, अभी तो विष्णु की तीसरी मूर्ति का पार्ट रहा हुआ है ना प्रैक्टिकल में, जो प्रैक्टिकल शूटिंग होगी उसमें भी तो 4 अवस्थाएं अभी पास होनी है, नंबर वार होंगी, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो, या सब एकदम फट से सतो प्रधान विष्णु बन जाएंगे? टाइम लगेगा ना, तो टाइम लगेगा, इसलिए अभी लंबा समय पड़ा हुआ है, अभी और थोड़ा आराम कर ले। तो वो समय चल रहा है क्या? अभी टू लेट का बोर्ड लगने वाला नहीं है ना, कि लगने वाला है? है? अच्छा, टू लेट का बोर्ड कभी लगा था? 70 साल हो गए, पहले भी कभी टू लेट का बोर्ड लगा था? है? लगा था, कब लगा था? 76 में टू लेट का बोर्ड लग गया था, लेकिन सब मालाओं के लिए नहीं लग गया, 2 के लिए लगा, उनमें भी 1 तो अभी एडवांस में ही नहीं है। लगना लगना न लगना बराबर की बात होगी, 1 के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। बाप आकर के विश्व की बादशाही देते हैं राजयोग बल से, ये राजयोग बल से सारे विश्व की बादशाही का लकवा जिसको लेना था उसने ले लिया, वो टू लेट का बोर्ड लग गया। ये टू लेट का बोर्ड भी बहुतों ने जाना और बहुतों ने अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, संशय आता रहता है, तो अज्ञान की रात कहेंगे या ब्रह्मा का दिन कहेंगे? क्या कहेंगे? अभी भी अज्ञान के अंधेरे में है, इतना विस्तार को ज्ञान पाया हुआ है, फिर भी रिजल्ट बुद्धि में भी नहीं आया। कहते हैं वो तो नियम बना हुआ है ना, ध्रुव तारा तो एक ही होगा ना, सारे ही ध्रुव तारा थोड़े ही हो जाएंगे, एक ध्रुव तारा एक जगह पर टिकता है एकाग्र होकर के, और बाकी सितारे तो चक्कर काटते रहते हैं ना, वो कोई एक जगह टिक करके थोड़े ही बैठेंगे। अरे चलो चक्कर तो काटते हैं, लेकिन नजदीक और दूर तो होते हैं, कोई तो बड़े लंबा चक्कर काटते हैं, विस्तार में चक्कर काटते हैं, और कोई सितारे होते हैं नजदीक में चक्कर काटते हैं। तो जो बड़ा चक्कर काटते हैं वो घाटे में रहेंगे, या जो नजदीक ही चक्कर काटते हैं वो घाटे में रहेंगे? बड़ा चक्कर काटते हैं, घाटे में आ जाएंगे।
बड़ा चक्कर काटने वाले, भक्ति मार्ग में बहुत चक्कर काटते हैं, ज्ञान मार्ग में चक्कर काटने की बात नहीं है। बल मुरली में बोला है, सबसे जास्ती जन्म किसके होते हैं? सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्कर किसको आता है? वो कौन सी आत्मा है जिसको सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्र आता है? अरे अरे बेहद की बात, निश्चय बुद्धि माना जन्म, बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि, बाप के ऊपर थोड़ा भी अनिश्चय आया माने मरा, अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र सबसे जास्ती कौन सी आत्मा को चलता है? ब्रह्मा को चलता है। बहुत कम लोग बोलते हैं जवाब में, इसका मतलब मुरली को रेगुलर और पंक्चुअल ध्यान से सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में इतने ढेर सारे शास्त्र, वो सारे के सारे बहुतों ने पढ़े हैं, बहुतों ने सुने हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मुरली है और उनमें ज्यादातर रिपीटेशन होता है, वही भी बातों का रिपीटेशन, दो चार बातें एक एक मुरली में होती है जो नई बात निकलती है, तो नई बातों को पकड़ना चाहिए ना, जो नया है वही तो एडवांस है, जो पुराना है उसको एडवांस नहीं कहेंगे। तो अभी तो इस बात पर विचार करना है कि ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने के निमित्त कौन बनता है,